अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टील। इसका एसटीएम कोड है E8। इसमें जो है हम स्टील को जो है टेस्ट करते हैं, और इसकी मशीन, जिस मशीन से हम टेस्ट करेंगे उसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दिस टेस्ट मेथड कवर द टेंशन टेस्टिंग ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स इन एनी फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। इस टेस्ट में जो है मेटेलिक मटेरियल की जो है वो टेस्टिंग करते हैं रूम टेम्परेचर पे। स्पेशली द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, एलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ एलोंगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एरिया। तो इस टेस्ट में जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं स्पेशली, वो हमारी होती है जो स्टील बार हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और उसका यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट एलोंगेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ एलोंगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एरिया। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसमें चेक करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले जो है हम स्टील बार का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें चाहिए होता है इस टेस्ट के लिए। इसमें हम प्लेन बार या माइल्ड स्टील यूज़ करेंगे या TMT बार, दोनों का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों का एरिया किस तरीके से निकालेंगे, ये हम 16 mm का अगर हम रॉड यूज़ कर रहे हैं तो इसका सिंपल एरिया जैसे हम निकालते हैं किसी भी सर्कुलर चीज़ का एरिया, उस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका हमारा एरिया आएगा 201.14 mm². लेकिन TMT बार का हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें हम इसका स्टील बार का वेट लेंगे डिवाइडेड बाय 0.00785, ये डेंसिटी है इसकी, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जितनी लेंथ हम इसकी स्टील की लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.474 ये kg में हमारा वेट है, ये हम ले लेंगे। और फिर जो है इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे, 300 mm हमारी लेंथ है, तो 0.00785 मल्टीप्लाई बाय 0.300, यानी कि ये जो हमारी mm में लेंथ है इसको मीटर में करके जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 201.27 mm². उसके बाद जो है हम इसका इनिशियल गेज लेंथ जो है वो निकालेंगे। इनिशियल गेज लेंथ का फॉर्मूला है 5.65 √एरिया। 5.65 जो आपका एरिया आ रहा है, 201.27 √ करेंगे इसको आप, तो हमारे पास इनिशियल गेज लेंथ जो आ जाएगी 80.16 है। इनिशियल गेज लेंथ के हिसाब से जो है हम स्टील पे यहाँ पे पंच कर देंगे या कोई भी परमानेंट मार्किंग कर देंगे। जैसे हमारी 80 आई है, 80 mm हमारी आई है और हमारी टोटल लेंथ 30 mm है, तो हमारी जो है 110 mm यहाँ से हम छोड़ेंगे और 110 mm यहाँ से छोड़ के सेंटर पे 80 mm की हम इनिशियल गेज लेंथ मार्क कर देंगे। उसके बाद जो है हम UTM मशीन में स्टील को फिक्स कर देंगे इस तरीके से। जो हमारी इनिशियल गेज लेंथ होगी वो इसके बाहर रहनी चाहिए, यानी कि इनिशियल गेज लेंथ में से ही हमने इसको ब्रेक करना है। जो भी टेस्ट हमारा ब्रेक होगा वो इनिशियल गेज लेंथ में से होगा। तो जितनी हमारी इनिशियल गेज लेंथ है उस हिसाब से हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो है ये हमारा मशीन को हम स्टार्ट कर देंगे, खींचेगी इसको, स्टील को पुल करेगी, और फिर जो हमारे हमारी जो रीडिंग आ रही होगी उस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा, उसमें जो है हमने मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि हमारे इसमें 3 पॉइंट होंगे, ये हमारा यील्ड पॉइंट है, उसके बाद ये वाला हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, और ये वाला जो हमारा है फ्रैक्चर पॉइंट। यील्ड पॉइंट हमारा क्या, इससे हम यील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेंगे इसकी, जितना हमारा किलो न्यूटन में आ रहा है वो हम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। अल्टीमेट में क्या है, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस हिसाब से अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास आ रही है 83 kN, उसको न्यूटन में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको मालूम है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारा हो गया 83,000 डिवाइडेड बाय जो एरिया था हमारे TMT बार का, तो ये हमारा आ गया 412
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हमारी स्ट्रेंथ आ गई। यील्ड स्ट्रेंथ हमारी जो होती है, जो हमें स्टील में दी हुई होती है, वो यील्ड स्ट्रेंथ ही दी हुई होती है। एफ ई स्ट्रेंथ जो दी हुई होती है वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें मालूम करना है एलोंगेशन। एलोंगेशन हम कैसे मालूम करेंगे? एलोंगेशन जो है एल टू माइनस एल वन डिवाइडेड बाई एल वन मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो हमारी स्टील बार ब्रेक हुई है और जो हमने गेज लेंथ मार्क करी हुई थी, वहाँ से यहाँ तक जो गेज लेंथ हमारी ब्रेक होने के बाद हम उसको दोबारा मेजर करेंगे तो हमारी लेंथ बढ़ जाएगी, वो हमारी 96 mm हो गई। तो हम 96 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, हमारी आ गई एलोंगेशन 20%। उसके बाद हम रिडक्शन ऑफ एरिया। रिडक्शन ऑफ एरिया क्या है? जो हमारा रिड्यूस हुआ एरिया ब्रेक होने के बाद, एरिया वन माइनस एरिया टू डिवाइडेड बाई एरिया वन मल्टीप्लाई बाई 100। एरिया हमारा क्या था इसका? एरिया हमारा था 201.27। अब हम इसके बाद जो है रिडक्शन के बाद दोबारा इसका एरिया निकालेंगे डाई चेक करके, तो हमारा एरिया आ रहा है 72.63। तो अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो रिडक्शन एरिया हमारा आएगा 63.9%। सो गाइस, आपको मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से हम स्टील बार की जो है यील्ड स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ एरिया किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से इसका टेस्ट करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।